ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु न मिलितम् इन तस्मै श्रीगुर्वे नमः मोकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरुदीन तारण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे शान्ताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभैहरम् सर्वोकनाथ यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र मरुता स्तंवती दिव्य वेदाय सांग पदक्रमोपनिषद गाय साम गति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया नष्ट नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमम् শ্লোকে ভক্তিভতি নষ্ট কী ভগতির্ভতি নষ্ট কী ও শান্তি 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 आइए मेरे प्रिय बहन भाइयों सत्संग प्रेमी जनों भागवत गीता का पान करना चाहिए भागवत गीता हमारे समस्त पिछले जन्मों के कर्मों के फल को और इस जन्म के कर्मों के अशुभ फलों को जला के राख बना देती है ये बड़े पवित्र शास्त्र है स्वयं भगवान श्री पद्मनाभ श्री कृष्ण भगवान के मुखारबिन से निश्रित वाणी है तो आइए हम आठवें अध्याय के अंतिम चरण में हैं, जहां भगवान भगवान ने प्रत्येक अध्याय के अंतिम चरण में अपनी भक्ति के लिए इशारा किया है अपनी शरण में आने के लिए इशारा किया है जीव मात्र को बिना उनकी शरण में गए गति नहीं है भगवान श्री कृष्ण ने आठवें अध्याय के अंतिम दो श्लोकों में बहुत गूढ़ रहस्य भरी बाणी कही है आइए हम समझ लें अध्याय आठ का ये श्लोक है छब्बीस और सत्ताईस इससे पहले 24 और पच्चीसवें श्लोक में भगवान ने उन ध्यान मार्गियों के लिए उपदेश किया है जो एकमात्र भगवान को व्यक्त रूप से नहीं मानते अव्यक्त रूप से मानते हैं निराकार रूप से मानते हैं तो ऐसे ध्यान योगी मोक्ष के अधिकारी भी बन जाते हैं और विफलता के भी पात्र बन जाते हैं यहाँ पर भगवान ने वर्णन किया है आठवें अध्याय के चौबीस और पच्चीसवें श्लोक में कि किस अवस्था में ध्यान मार्ग के योगी को शरीर छोड़ना चाहिए यदि वो सही सही अवस्था में शरीर त्यागता है तो उसको उसकी गति हो जाती है मोक्ष प्राप्त हो जाती है वो निराकार स्वरूप ब्रह्म ज्योति में जाकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेता है लेकिन यदि समय उपयुक्त नहीं है तो ऊंचे लोकों में देवलोकों में भोग विलासों की विशेष दुनिया में जाकर के भोगों में अटक जाता है और फिर उसके गिरने के चांस बने रहते हैं देखिए भगवान क्या कह रहे हैं अग्निर्ज्योतिरहो शुक्ल हो उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म विदो जना यदि ब्रह्मवेत्ता जिसने अपनी भावना को पवित्र कर लिया है ब्रह्म स्वरूप हो गया है आत्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप यानी आत्म स्वरूप, ब्रह्म या आत्मा से संबोधित किया गया है अगर ये अवस्था नहीं है शरीर त्यागने के समय योगी के सामने कि उत्तरायण में सूर्य हो छः महीने उत्तरायण में, में सूर्य चलते हैं शुक्ला शुक्ल पक्ष हो चांदी रातों वाला पक्ष और अग्नि ज्योति रहो सूर्य अग्नि ज्योति रहो ज्योति या तो अग्नि समक्ष हो अग्नि साक्षी हो या ज्योति उसके सामने हो उसके अंतर आत्मा में तो ज्योति है लेकिन बाहर भी ज्योति हो ये बड़ी गुड़ भाषा है लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे थोड़े ही समय में तत्व प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म अगर ऐसी अवस्था में अगर ये ध्यान मार्ग निराकारवादी योगी शरीर त्यागता है तो जरूर उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है और निराकार ब्रह्म में वो पहुंच जाता है साक्षात व्यक्त शरीर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं होता नारायण को प्राप्त नहीं होता विष्णु को प्राप्त नहीं होता बल्कि वो निराकार शून्य में चला जाता है दूसरा यही ध्यान योगी अगर समय उपयुक्त तो नहीं है तब शरीर त्यागे तो इसको ऊंचे लोगों की ही प्राप्ति होती है और वहां पर भोग विलास करके वहां तो गिरने के चांसेज होते हैं क्योंकि जो देवता लोग भगवान ने नियुक्त तो नहीं किए हुए हैं और जो नियुक्त किए गए हैं, वो दोनों के गिरने के चांसेस हैं। इंद्र को भगवान ने नियुक्त किया है पद पर वायुदेव को वरुण देव को लेकिन वहां पर भी इंद्र को भी सुअर बनना पड़ा बृहस्पति जी के शाप से तो चंद्र को भी दाग लगे ऐसे अनेक देवताओं की कथाएं हैं जिनका पतन हुआ है गिरे हैं तो ये भगवान के नियुक्त किए हुए देवता भी जब उस स्तर से गिर जाते हैं तो फिर छोटे मोटे जो यहाँ से बड़ी तपस्या करके जाने और वाले और देवताओं का जैसा शरीर प्राप्त करने करने वाले देवलोकों को प्राप्त करने वाले यदि वहाँ भोग विलासों में फंसेंगे या कोई अपराध जन्य व्यवहार करेंगे तो उनका पतन भी निश्चित है संभव है लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए भी ये परिस्थिति बतलाई है भगवान ने कि ये ऊंचे लोगों में जाने के लिए भी योगी के सामने ये परिस्थिति होनी चाहिए कि धूम यानी धुआं धुंध फाग इसको कहते हैं होनी चाहिए रात्रि का समय होना चाहिए कृष्ण पक्ष होना चाहिए अंधेरी रातें षणमासा दक्षिणायनम छ महीन मास तक सूर्य जब दक्षिण की तरफ चलता है वो समय होना चाहिए तो ऐसे समय में यदि ये योगी का शरीर छूटे या त्यागे तो ऊंचे लोगों में भोग विलासों के लिए जाता है मोक्ष नहीं प्राप्त होती तो ये बड़ी अटकन है कि हम जीवन भर और एक जन्म दो जन्म तीन जन्म बड़ी तपस्या करें अष्टांग योग पद्धति से निराकार का ध्यान करें या शून्य का ध्यान करें और अंत समय में यदि परिस्थिति अनुकूल नहीं हो शरीर त्यागते समय तो मुक्ति मिलना भी असंभव है यानी हम ब्रह्म स्वरूप हो गए हो तब भी यदि परिस्थिति बराबर नहीं है तो भी मुक्ति मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर वो भोगी विलास भोग मिलते हैं जहां पर आप कितना भी हवा में उड़ लो कितना भी खा लो पी लो कितना भी भोग कर लो तो वो तो सब कर सकते हैं ये पृथ्वी पे क्या कमी है प्रयास करता है आदमी तो कर सकता है पिछली सदी शताब्दी में ही हैदराबाद नवाब गुजरे हैं उनको उनके पास छ छ सो रानियां थी छह सौ रानियों का भोग किया गोलकुंडा का खजाना उनके पास था उनके हीरे पन्ने जवाहरात वर्ष में एक बार महलों की तीन छतों पर सूखते थे हवा खाते थे धूप लगती थी उनको और फावड़ाओं से उनको पसारा जाता था और समेटा जाता था इतने हीरे जवाहरात थे अब ऐसे नवाब के पास क्या कमी है भोग विलासों की तो यही कर लो अगर भोग विलास भी करना है लेकिन भोग विलास करने से आदमी का कल्याण नहीं होता रैश होता है पतन होता है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्तों के साथ मेरे भक्तों के साथ और मेरे भक्तों के सामने ये परिस्थितियां नहीं आती जो मेरी शरण में रहते हैं उनके सामने ये परिस्थितियां नहीं आती क्योंकि भगवान अपने भक्तों की खुद संभाल करते हैं उनको कैसे रखना है कब बुलाना है इत्यादि उनकी सुरक्षा योग क्षेम हम भगवान ने वादा किया है कि मेरे भक्त का को किससे मिलाना है कब मिलाना है कब मुझे मिलना है और क्षेम और उसकी रक्षा सुरक्षा उसकी भक्ति की सुरक्षा उसकी हर बात की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है तो भगवान ने पहले तो ये दोनों बात बतला दी कि इस समय शरीर छूटेगा तो भैया तुम्हारी मोक्ष हो जाएगी निराकार शून्य में मेरी तो प्राप्ति नहीं लेकिन निराकार जरूर तुमको प्राप्त हो जाएगा लेकिन यदि ऐसी उपयुक्त अवस्था में शरीर नहीं छूटा परिस्थितियों में शरीर नहीं त्यागा तो तुमको फिर बहुत सिद्धि को प्राप्त हो गए हो, तो ऊंचे लोग मिल सकते हैं और उनका आगे वर्णन कर ही दिया है कि ऊंचे लोगों से आत्मा का पतन होता है तेतम भुक्त स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पूर्णे मृत लोकम विषं ये ऊंचे लोगों में तो चले जाते हैं लोग लेकिन बाद में वहां पूर्ण क्षीण होने पर और नीचे उतर जाते हैं गिर जाते हैं वापिस पतन हो जाता है तो भगवान कहते हैं नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुहती कश्चन तस्मात सर्वेशु कालेशु योग युक्त तो अर्जुन इसलिए हे अर्जुन तू तो सर्व कालों में योग युक्त यानी भक्ति युक्त हो जा प्रेम कभी क्षीण नहीं होता प्रेम जिस हृदय में भर जाता है वो तो चौबीस घंटे ही रहता है सर्वेशु कालेशु अष्ट प्रहर चौबीस घड़ी उसके हृदय में प्रेम है प्रेम कभी टूटता नहीं प्रेम तो एक ऐसी धारा है जो सतत बहती है प्रेम में प्रेमी उस परमात्मा को नहीं भूलता इसलिए भगवान ने यह सजेशंस दिए कि भक्ति योग में यह बाधा उपस्थित नहीं होती कि उत्तरायण में सूर्य चल रहा है या दक्षिणायण में चल रहा है कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है अंधेरा है या ज्योति है ना मेरा भक्त कभी भी किसी भी अवस्था में शरीर त्यागता है मुझे प्राप्त करता है ब्रह्म ज्योति को भी नहीं निराकार को नहीं मुझे साक्षात स्वरूप को प्राप्त करता है मेरे परम धाम को प्राप्त करता है नयते श्रुति पार्थ जानन योगी मुहेति कश्चना तस्मात्वेश कालेसु योग युक्त भवार्जुन भार्जुन हे अर्जुन सभी कालों में तू योग युक्त भक्ति युक्त मेरा भक्त बन सभी समय मेरी सेवा में हाजिर हो भगवान की सेवा में भगवान को भूला नहीं सकते सेवा ही एक ऐसी वस्तु है जो भगवान को भूलने नहीं देती क्योंकि आप किसी की भी सेवा करते हैं जिसकी भी सेवा करते हैं मान लो पत्नी अपने पति की कपड़ों की स्त्री कर रही है आयरन कर रही है तो उसको सदैव बार 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 पति याद आते हैं कि ये मेरा पति का पैंट है ये मेरी पति का टी शर्ट है ये पति जी की टाई है ये पति जी की पतलून है वॉट एवर ऐसे ही आप जब भगवान की कभी आप मंदिरों में जाके सेवा करके देखिए आप भगवान भूल सकते हैं कभी एक दिन तो निकालिए कि आज का दिन हम भगवान के मंदिर में दो चार छह घंटे सेवा करेंगे और आप मुझे बतलाइए कि उन दो चार छह घंटों में आप भगवान को भूले नहीं भूल सकते सेवा ही एक ऐसी वस्तु है जिसमें भगवान को सदैव याद रखा जा सकता है इसलिए भगवान कहते हैं कि यद करोसी यद शनासी यद जो ददाशियत तपस्यासी कौनती तद करो स्वर्पण अर्पणम इसलिए अर्जुन जो तो कुछ करता है खाता है दान देता है तपस्या करता है सब मेरे लिए मुझे अर्पण कर मेरे लिए कर मुझे प्रसन्न कर इन चीजों से इन वस्तुओं से मुझे अर्पण कर ये अर्पण करना ही भगवान की सेवा है यद करो जो भी तुम करते हो चाहे फैक्ट्री चलाते हो खेती का काम करते हो कुछ भी करते हो वो तो भगवान को अर्पण करो इसका क्या मतलब है कैसे भगवान को अर्पण करोगे तो ये बार बार मैंने कहा कि भगवान की सेवा में आपका जीवन होना चाहिए भगवान की शरणागति में रहना चाहिए और भगवान का वास तो सर्वत्र है उसकी एक्सटर्नल पोटेंसी कण कण के अंदर है इंटरनल पोटेंसी अंतरंग शक्तियां तमाम वैकुंठ जगत में है। फैली हुई है ये दोनों शक्तियों से भगवान सब जगह मौजूद है ठीक वैसे ही जैसे एक राजा अपने पद पर होता है लेकिन उसकी मौजूदगी तो हर क्षेत्र में होती है उसके रूलिंग के द्वारा उनके सिपाहियों के द्वारा उनके अफसरों के द्वारा उनके मिनिस्टर और एमएलए एमपी के द्वारा सैनिक इत्यादि के द्वारा उसकी मौजूदगी हर जगह है ऐसी भगवान की शक्तियां भगवान की आज्ञा कारणी है तो अंतरंगा शक्ति है बहिरंगा शक्ति है स्पिरिचुअल एनर्जी एंड मेटेरियल एनर्जी आर देयर सो दे आर फंक्शनिंग अराउंड इवन इन टू एटम इज द ओमनी प्रेजेंट भगवान सब जगह उपस्थित हैं तो आपका अगर भगवान से मुरली मनोहर श्याम सुंदर से प्रेम बढ़ा है प्रेम हो गया है तो उनके दर्शन आपको जगह जगह भी हो सकते हैं इसमें संदेह नहीं है हालांकि ये दर्जा प्रथम श्रेणी का नहीं है प्रथम श्रेणी का भक्त तो वो ही है जो भगवान को प्राप्त कर लेता है प्रेमा भक्ति प्रथम भक्त है प्रेम से भगवान को प्रसन्न कर लेता है वश में कर लेता है अपने पास बुरा लेता है या उनके पास चला जाता है प्रेमी प्रेमी मिल जाते हैं ये तो उच्च उच्चतर दर्जा है लेकिन उसके नीचे भी और दर्जे हैं तो अब जहां पर वास्तव में आपकी सेवा की जरूरत है कर्मों की जरूरत है यत करोसी जो कुछ करते हो भगवान को अर्पण करो इसका क्या मतलब आप जो कुछ करते हो तो कमाते हो घर में लाते हो तो किसी को तो अर्पण करते हो अपनी माता पिताओं को अपनी पत्नी को अपने बच्चों को अपनी बहन भाई रिश्तेदारों को अपने पड़ोसियों को गरीबों को या अस्पतालों को या औषधालयों को या स्कूलों को या मंदिरों को मस्जिद गुरुद्वारों को कहीं तो आप उसका उपयोग करते हो अगर नहीं करते हो तो करना चाहिए ये भगवान की सेवा है यद करो यद ये, ये भगवान को अर्पण करना है इस भाव से कि भगवान सब जगह मौजूद है तो भगवान सब जगह मौजूद है तो आप कहीं उस हत्यारे के लिए दान मत दे देना जो हथियार खरीद के किसी को मारेगा दस बीस को नहीं ये तो नहीं कहा तो तमोगुणी दानों में आता है भगवान ने कहा है, रजोगुणी सतोगुणी दान जो है सबसे श्रेष्ठ है रजोगुणी और तमोगुणी दान निष्कृष नीचे के हैं तो सतोगुणी दान में कर्तव्य होते हैं जो दान तुम देते भी हो किसी को ये दान भी भीख को दी जाती है जो मांगता है कि बाबा मुझे दस पैसे दे दो उसको आप देते वो भीख है वो दान नहीं है दान तो आपके हृदय से उत्पन्न होता है दान तो आपका हृदय स्वतः ही आप प्रेरित होते हैं दान करने के लिए और दान करते हैं कोई मांगने नहीं आता आपके पास आप जाते हैं दान देने भगवान ने भीख की बात भागवत गीता में कहीं नहीं किया कि तुम भीख देना भगवान भीख लेते भी नहीं है आपकी दान तो स्वीकार करते हैं कि हे प्रभु मैं ये आपको दान देता हूं बलि महाराज ने दान दिया था वामन देव भगवान को तमाम त्रिलोकी को दान कर दिया था दान महादानी था कर्ण रोज स्वर्ण दान करता था गंगा किनारे स्नान करने के बाद जो भी उनके सामने और जो भी मार्ग में मिल जाए उसको सोना दान करता था भीख नहीं भीख दी जाती जो कोई मांग रहा हो बाबा मैं भूखा हूं मुझे बाबा बाबा तो आप भीख देते हो कि चलो ये खा ले ये भीख भगवान नहीं मांगते आपसे दान जो आप प्रसन्न दिल से दो ये अर्पण है तो ये दान को मुझे अर्पण करो यार भगवान कह रहे हैं तो ये आपके कर्तव्य जो है दिनचर्या जो है ये भगवान को अर्पण कीजिए उनके लिए उनको प्रसन्न करने के लिए स्नान कीजिए वस्त्र पहनिए दफ्तर खोलिए फैक्ट्री खोलिए बच्चे पैदा कीजिए उनको प्रसन्न करने के लिए आप सत्य बोलिए चोरी नहीं करिए रिश्वत नहीं धोखेबाजी नहीं जानवरों का गला मत काटिए ना जानवरों को पालिए उनको पानी पिलाइए दाना खिलाइए चुग्गा डालिए उनको मारिए नहीं सताइए नहीं उनके साथ सदव्यवहार कीजिए यह भगवान की सेवा है भगवान की भक्ति है बोला मेरा भक्त जो रात और दिन मुझे पुकारता है मुझे मिलना चाहता है व्याकुल है मुझसे मिलने के लिए बिरह में तड़प रहा है ऐसा भक्त परम गति को प्राप्त होता है मुझे प्राप्त करता है मुझे प्राप्त करता है उसके सामने ये समय कौन सा होना चाहिए सूर्य किधर होना चाहिए दक्षिणायन में या उत्तरायण में यह परिस्थिति नहीं पैदा होती इसलिए हे अर्जुन सबसे श्रेष्ठ यही है कि तस्मात्वेश कालेसु योग युक्त तो भवार्जुन। हे अर्जुन तो क्यों नहीं फिर सब कालों में मेरी भक्ति क्यों नहीं करता इसमें तुझे समय की परिस्थिति पैदा नहीं होगी अंत समय में तू जैसे भी चाहे दक्षिणायन में सूर्य हो चाहे उत्तरायण में हो चाहे अंधेरी रात हो या दिन का समय हो या समुद्र का तला हो या आसमान का ऊंचाइयों पे हो जहां भी शरीर को त्यागेगा तो मुझे प्राप्त कर लेगा यदि तू मेरा सच्चा भक्त है तो तो भक्ति को भगवान ने श्रेष्ठ बतलाया है प्रेम ही तो श्रेष्ठ है प्रेम भक्ति को कहा है ये सबसे ऊंची है ये प्रेम सगाई सबसे ऊंची है सूरदास जी ने पद गाया कि नहीं अनूप जलौटा जी बड़े लहरियां दे दे के गाते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन को मेवा साग घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई तो प्रेम का रिश्ता हरी से तुम्हारा प्रेम है तो समस्त संसार से पशु पक्षियों से पेड़ पौधों से कुत्ते बिल्लियों से सबसे तुम्हारा प्रेम हो जाएगा प्रेम ही सबसे ऊंची सगाई है जो तुमको उस पुरुषोत्तम से मिलाती है यह संबंध सबसे ऊंचा है प्रेम का नाता सबसे ऊंचा है प्रेम कीजिए प्रेम निस्वार्थ प्रेम इनफैक्ट निस्वार्थ प्रेम को प्रेम बोला है स्वार्थी प्रेम को प्रेम नहीं बोला वो तो एक लष्ट है आपको कुछ चाहिए तो आप प्रेम दर्शाते हैं। प्रेम दिखाते हैं। कुछ वस्तु देते हैं प्रसन्न करते हैं किसी न किसी पूरा प्रेम का नाटक करते हैं ये तो स्वार्थी लष्ट है लष्ट यानी गर्ज अपनी गर्ज है इसलिए आप प्रेम का नाटक कर रहे हैं गर्ज निकल जाए तो नाटक खत्म तो इसको प्रेम तो नहीं कहा स्वार्थी प्रेम कहना भी गलत है कि प्रेम तो स्वार्थी होता ही नहीं प्रेम तो निष्काम होता है प्रेम तो प्रेम होता है प्रेम कैसे स्वार्थी हो सकता है स्वार्थी तो सेल्फिशनेस स्वार्थ ये तो संसार की यानी अपना उल्लू सीधा करना हुआ प्रेम में अपना उल्लू सीधा नहीं करते हैं प्रेम तो उदित उदय होता है प्रेम तो आत्मा की शुद्धतम भावना का नाम है प्रेम तो प्रभु का स्वरूप कहलाया है यह स्वार्थी कैसे हो सकता है इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु जी ने परम प्रेम की शिक्षा दी है कि परम भक्त के लक्षण बतलाए हैं कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता जगदीश वा काम मम जन्मनी जन्मनी स्वरे भगवत भक्ति तुई ना, धनम ना जनम हे प्रभु स्वयं चैतन्य महाप्रभु भक्त अवतार है भगवान की और एक शुद्धतम भक्त की इच्छाएं कैसी होती हैं उसकी भावनाएं कैसी होती हैं कितनी निर्मलता होती है उस भावना के अंदर एक परम भक्त की भावना में वो बतला रहे हैं ना धर्म हे प्रभु मुझे कोई धन नहीं चाहिए वैभव नहीं चाहिए स्वर का पद मुझे नहीं चाहिए ना धर्म ना जन्म ना कोई ऊंचे कुलों में देवलोकों में मुझे जन्म चाहिए ना धर्म ना जन्म ना सुंदरी ना कोई विश्व विख्यात यूनिवर्सल फ्रेम की कोई सुंदरी चाहिए ना जन्म ना न जनम ना सुंदरी कविताम जगदीश कामय और कविताम यानी प्रसिद्धि कोई प्रकार से तीनों लोगों की प्रसिद्धि भी मुझे नहीं चाहिए ना धर्नम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम जगदीश कामय मम जार पिछले सतारा सालों तो आप जी सेवा करता आ रहा है एक सुविधा रहन वाले